गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 99, लास्ट लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी का आप डिस्कस कर रहे हैं और ये है फोटोपीरियडिज्म एंड वर्निलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोपीरियडिज्म दीप्तकालिता की। फोटोपीरियडिज्म या दीप्तकालिता क्या है, तो आप देखिए कह सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या आवृत बीजी पादपों में हम पुष्पन की प्रक्रिया देखते हैं, तो जो फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स है प्लांट्स का, आप कहेंगे सबसे पहले तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी पादप, क्योंकि परफेक्टली फ्लावर इन्हीं प्लांट्स में बनता है। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं, आवृत बीजी पादप हैं, इनमें देखिए क्या आता है, फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स। इन प्लांट्स में फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। अब जब फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स आपको इनमें देखने को मिलेगा, जिसको पुष्पन अनुक्रिया आप कहते हैं, इस पुष्पन अनुक्रिया के लिए आवश्यकता क्या है, तो हम ये कहेंगे प्रत्येक पादप, अब आप स्टेटमेंट नोट करें, फिनोमिनन या परिघटना जो फोटोपीरियडिज्म में वो क्या है, तो आप लिखेंगे प्रत्येक पादप पुष्पन प्रेरण हेतु, पुष्पन हेतु या पुष्पन प्रेरण आप लिख सकते हैं, दिन व रात, दिन तथा रात्रि। देखिए ये लाइट एंड डार्क की बात की जा रही है, लाइट और डार्क आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डे एंड नाइट, डे एंड नाइट की एक निर्धारित सापेक्षिक अवधि की आवश्यकता रखता है। प्रत्येक पादप पुष्पन हेतु दिन और रात्रि की निर्धारित अवधि की सापेक्षिक लंबाई की निर्धारित सापेक्षिक अवधि की आवश्यकता रखता है, अवधि की आवश्यकता रखता है या दर्शाता है। और यही जो फिनोमिनन या परिघटना है, इसी परिघटना को स्टूडेंट्स आप कहते हैं प्रदीप्तकालिता। यह परिघटना दीप्तकालिता कहलाती है या कही जाती है। इसका मतलब हर एक प्लांट जो है वो डे और नाइट का एक रिलेटिव लेंथ रिक्वायर करता है, रिलेटिव डे एंड नाइट, रिलेटिव डे एंड नाइट इज रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता स्टूडेंट्स होती है। तो जो रिलेटिव डे एंड नाइट रिक्वायर्ड है, ये रिलेटिव डे एंड नाइट स्टूडेंट्स प्लांट्स में फ्लॉरिंग के लिए या पुष्पन के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। इससे पहले पुष्पन की प्रक्रिया का प्रेरण देखिए कैसे होता है। ये प्लांट में लीफ, पर्ण, पत्ती है। आपने मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा है, तो आप जानते हैं आकारी की दृष्टि से इस पत्ती की अक्ष में या कक्ष में कौन सी कलिका है, कक्षस्थ कलिका, जिसको स्टूडेंट्स हम एक्जिलरी वर्ड भी कह देते हैं, कक्षस्थ कलिका या एक्जिलरी बर्ड, ठीक है। अब ये जो कक्षस्थ कलिका या एक्जिलरी बर्ड है, या एपिकल बर्ड यहां हो सकती है प्लांट में, कौन सी बर्ड हो सकती है, एपिकल बर्ड या शीर्षस्थ कलिका। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, प्लांट लाइट रिसीव करता है। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश आकारी की जन, अर्थात किसी भी अंगक का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रकाश को उद्दीपन के रूप में पादप द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ जो लाइट है, ये लाइट किस रूप में ग्रहण की जाएगी, लाइट एज ए सिग्नल और लाइट एज ए स्टिमुलस, उद्दीपन या सिग्नल के रूप में लाइट रिसीव की जाएगी। जबकि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में आप ये जानते हैं, जो प्रकाश है उस प्रकाश को ग्रहण किया जाता है, उस प्रकाश को अवशोषित किया जाता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, क्लियर। तो यहाँ लाइट रिसीव किया गया। अब ये लाइट रिसीव किए जाने से, ये आप कह रहे हैं जो
एपिकल बर्ड और एक्जिलरी बर्ड है, जो दोनों ही क्या है, वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स या कायिक कलिकाएं हैं। स्टूडेंट्स, ये कायिक कलिकाएं अब कन्वर्ट होने वाली हैं फ्लोरल बर्ड्स या पुष्पीय कलिकाओं में। कायिक कलिका को पुष्पीय कलिका में रूपांतरित कर दिया गया। जो पुष्पीय कलिका है ये पुष्प आध्यक के रूप में फ्लोरल प्राइमोर्डियम जो है उसके रूप में विकसित हो जाती है। तो ये विकसित कैसे हुई, इसके लिए देखिए जो फाइटोक्रोम्स हैं प्लांट में उनका कन्वर्जन हुआ, फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में और फाइटोक्रोम फार रेड वापस फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होता है। और इस कन्वर्जन के दौरान, इस इंटर कन्वर्जन के दौरान, ये क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम रेड से फार रेड और फार रेड से रेड। तो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब वेवलेंथ बढ़ता है, जैसे 630 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट में आप ये कह सकते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और ये 760 या 730 तक फार रेड में रहता है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं जैसे लाइट बढ़ती है वो वापस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटर कन्वर्जन जो फाइटोक्रोम्स का है, इससे यहाँ क्या हुआ, फ्लोरिजन हार्मोन का स्टूडेंट्स इंडक्शन प्लांट को मिला, फ्लोरिजन हार्मोन का निर्माण प्लांट को हुआ। अब ये जो फ्लोरिजन है, ये जो इंटर कन्वर्जन है फाइटोक्रोम्स का, वो कहाँ चल रहा है, लीफ में, पर्ण में, पत्ती में, और यहाँ जो फ्लोरिजन संश्लेषित होगा वो स्वाभाविक बात है कक्षस्थ कलिकाओं और शीर्षस्थ कलिकाओं तक स्थानांतरित होगा। तो फ्लोरिजन हार्मोन आप कहेंगे पर्ण में संश्लेषित, ठीक है, और ये कायिक कलिकाओं को स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, ये कायिक कलिकाओं को स्टूडेंट स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो कायिक कलिकाएं हैं, जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लोरल बर्ड्स में, किसके इंडक्शन से हुई, फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन से। इधर ये फाइटोक्रोम्स के बारे में आप देखिए, ये ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया, 2019 में नीट में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे एक और बात काम की यहां पूछेगा, जो आपको पता होनी चाहिए, कि देखिए जो लीव्स या पर्ण हैं, ये पर्ण पत्तियां ही इस केस में किसके लिए, फोटोपीरियडिज या दीप्तकालिता प्रभाव के लिए या पुष्पन प्रेरण के लिए, पुष्पन प्रेरण हेतु रिसीविंग ऑर्गन या परसीविंग ऑर्गन, प्रकाशग्राही अंग हैं, प्रकाशग्राही अंगक हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए प्लांट्स में फ्लॉरिंग हो रही है, पादपों में पुष्पन हो रहा है, और इस पुष्पन की प्रक्रिया के लिए जो लीफ है ये लीफ लाइट को रिसीव कर रही है। तो जो परसीविंग ऑर्गन, रिसीविंग ऑर्गन या ग्राही जो अंग है, वो हमेशा पत्ती या पर्ण ही होगा। पर्ण जो है वो हमेशा ग्राही अंगक के रूप में काम करेगा, और यहाँ जो हॉर्मोन का इंडक्शन मिलेगा, उस हॉर्मोन को आप ये कह सकते हैं निर्धारित निश्चित जो कलिकाएं हैं वहां तक स्थानांतरित कर दिया जाएगा, क्योंकि हॉर्मोन जो भी बनते हैं वो संचरण योग्य हैं। आपने पढ़ रखा है ये कम मात्रा में निर्मित होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो संचरण योग्य हैं, तो ये संचरण योग्य पदार्थ स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। कहां से कहां स्थानांतरण होता है, फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ एक्शन, जहां बनेगा वहां से जहां काम में आएगा वहां स्थानांतरित ये होता है। तो यहां इसको बनाने के लिए या इस प्रेरण के लिए देखिए लीफ काम करती है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी पादप में सारी पत्तियां हटा दी गई, सभी पर्ण हटा दी गई, केवल एक पर्ण वहां पादप में उपस्थित है, क्या पादप में पुष्पीय अभिप्रेरण हो सकता है, क्या पादप में पुष्पन का प्रेरण हो सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, वहां पुष्पीय प्रेरण हो सकता है, क्योंकि एक अकेला लीफ, सिंगल लीफ ही काफी है एक बार इंडक्शन के लिए, फिर जो फ्लोरिजन बनेगा वो फ्लोरिजन सब जगह स्थानांतरित या ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है।
पुष्पन प्रेरण के लिए केवल एक पर्ण या एक पत्ती की ही आवश्यकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उस फेज से इधर मैं वापस आ जाता हूं। फोटोपीरियोडी जो दीप्तकालिता जो है, इसकी खोज आप कहेंगे, लिखते जाएं आप मेरे साथ साथ, फोटोपीरियोडिज्म की खोज, गार्नर व एलार्ड ने की। गार्नर और एलार्ड ये स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट हैं, जो गार्नर और एलार्ड हैं, उन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने एक उत्परिवर्तित या फिर आप कह सकते हैं म्यूटेंट वैरायटी एक देखी थी। वो म्यूटेंट वैरायटी किसकी थी? टोबैको, तंबाकू, टोबैको म्यूटेंट वैरायटी। और ये तंबाकू की जो म्यूटेंट वैरायटी या उत्परिवर्तित किस्म थी, इसको आप लिखते हैं मैरीलैंड मैमथ। इसको आप कहते हैं मैरीलैंड मैमथ, ठीक है। ये इस पर अनुप्रयोग सॉरी इस पर प्रयोग करते हुए या इसको प्रेक्षित करते हुए गार्नर और लेनार्ड ने किसकी खोज की? फोटोपीरियोडिज्म की। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बात आपको क्लियर हुई कि फोटोपीरियोडिज्म जो है उसमें क्या है कि पादपों में जो पुष्पन प्रेरण होता है, पुष्पन अभिप्रेरण होता है, या पुष्पीय प्रक्रिया जो प्लांट्स में होती है, उसके लिए एक रिलेटिव डे और नाइट लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। रिलेटिव डे और नाइट की जो लेंथ है उसकी रिक्वायरमेंट उसमें स्टूडेंट्स है। अब आप ये कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव डे नाइट लेंथ सापेक्षिक प्रकाश और अंधकार अवधि के आधार पर प्लांट्स को, पादपों को यहां तीन अलग अलग श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है। तीन अलग अलग श्रेणियां उसके लिए बनाई हुई हैं। और देखिए ये होगा, सबसे पहले आप कह सकते हैं LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स, दीर्घ दिवस पादप। दूसरा स्टूडेंट्स SDP, शॉर्ट डे प्लांट, ये हैं लघु दिवस पादप, ठीक है। और तीसरी स्थिति आपके पास है DNP, डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं दिवस निरपेक्ष पादप, दिवस निरपेक्ष पादप, ठीक है। LDP प्लांट, SDP प्लांट और DNP प्लांट। तो देखिए LDP तो कौन से प्लांट हैं? ये वो प्लांट हैं जो एक क्रांतिक प्रकाश काल की अवधि से ऊपर का प्रकाश या अधिक प्रकाश मिलने पर फ्लॉरिंग या पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहां क्रांतिक प्रकाश काल को समझना होगा। क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रांतिक प्रकाश काल क्या है? आप ये क्लियर कर चुके हैं कि रिलेटिव डे लेंथ, रिलेटिव डे और नाइट लेंथ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पुष्पन का प्रेरण तो किससे हो रहा है? लाइट से हो रहा है। तो निश्चित और निर्धारित प्रकाश अवधि की आवश्यकता प्रत्येक पादप को है। तो आप ये कहेंगे हमें यहां एक डिसाइड करना पड़ेगा क्रिटिकल डे लेंथ या क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल डे लेंथ क्या है? 24 घंटे का एक जो साइकिल है या पीरियड है, उसमें से एक निर्धारित या निश्चित समय अवधि जिस पर प्लांट पुष्पन नहीं करे। उस समय अवधि से ऊपर की लाइट मिलने पर पुष्पन करे तो LDP है, उस समय अवधि से कम लाइट मिलने पर पुष्पन करे तो SDP है, और इस प्रकार की समय अवधि का कोई विशेष प्रभाव जिस पर नहीं हो वो दिवस निरपेक्ष पादप DNP है, ठीक है। तो आपको देखो यहां मेंशन करना है, आप स्टार लगा के लिखें क्रिटिकल डे लेंथ, इसके लिए लिख लें आप
वह प्रकाश अवधि जिससे अधिक प्रकाश दिए जाने पर कम प्रकाश दिए जाने पर, तो देखो दो कंडीशन है, वह प्रकाश अवधि जिससे अधिक प्रकाश आप दो और उससे कम प्रकाश दो, तो अधिक प्रकाश दो, अधिक प्रकाश अगर आपने दे दिया तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं यहाँ पुष्पन होगा और ये प्लांट कौन से होंगे, एलडीपी में पुष्पन प्रेरण। और अगर क्रिटिकल डेलेंस से अब उस प्रकाश अवधि से कम प्रकाश अगर दे दिया तो ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे क्या होगा, एसडीपी में पुष्पन, एसडीपी में पुष्पन प्रेरण। तो अधिक प्रकाश अवधि और कम प्रकाश अवधि, क्रिटिकल डेलेंस जो है उस क्रिटिकल डेलेंस से अधिक प्रकाश अवधि पर एलडीपी, या लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लॉरिंग करते हैं उससे कम प्रकाश अवधि पर एसडीपी, या शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लॉरिंग दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब क्रांतिक दिवस लंबाई जो है क्रिटिकल डे लेंथ, क्रांतिक दिवस लंबाई से अधिक प्रकाश मिलने पर पुष्पन हो, तो इस स्थिति में आप प्लांट्स को क्या कहेंगे, एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इनमें लंबे दीप्तकाल तथा आप कह सकते हैं क्रांतिक दीप्तकाल की आवश्यकता होती है। तो सामान्यतः लंबे दीप्तकाल की आवश्यकता, मतलब जो फोटो पीरियड है या लाइट है उसका ड्यूरेशन स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा समय तक होना चाहिए, उसकी उपस्थिति ज़्यादा समय तक होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है इन एलडीपी में फ्लॉरिंग के लिए फोटो पीरियड क्रिटिकल है, फोटो पीरियड प्रकाश काल ये क्या है, क्रिटिकल। ठीक है, एसडीपी पे में आप आ जाइए, एसडीपी में वो कह रहा है क्रांतिक दिवस लंबाई की तुलना में कम क्रांतिक दिवस लंबाई से कम प्रकाश अवधि पर पुष्पन, कम प्रकाश अवधि पर पुष्पन। तो ये कौन से प्लांट हैं स्टूडेंट्स, एसडीपी हैं। और यहां ध्यान रखने की बात ये है कि इनमें अबाधित अंधकार की आवश्यकता होती है, मतलब फ्लोरिंग तो लाइट से ही होगी लेकिन जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे कम लाइट चाहिए, इसका मतलब डार्क ज्यादा बड़ा पीरियड इनको चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं इनको लंबे अंधकार काल की, लंबे अबाधित अंधकार काल की आवश्यकता होती है, लंबे अबाधित अंधकार काल की आवश्यकता। ठीक है, और फिर आपने लिखा है दिवस निरपेक्ष पादप, इसमें सिर्फ एक लाइन लिख लें, विशिष्ट प्रकाश अवधि की आवश्यकता नहीं, विशिष्ट प्रकाश अवधि की आवश्यकता नहीं। विशिष्ट प्रकाश अवधि की आवश्यकता यहां नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं, अब इनको हम विशिष्ट एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, फ्लोरिंग का प्रेरण कैसे होता है ये आपने क्लियर कर ही लिया है। आपने कहा काई कलिका पुष्पीय कलिका में रूपांतरित होती है, और एक लाइन और ध्यान रखें, एम्ब्रियोलॉजी में आपको लिख के दिया है 12th के चैप्टर में कि देखिए काई कलिका जब पुष्पीय कलिका में या पुष्पीय आध्यक में परिवर्तित होती है तो कुछ संरचनात्मक और कारकीय परिवर्तन होते हैं। ऑब्वियस है, संरचनात्मक परिवर्तन तो कैसे होंगे, वेजिटेटिव बर्ड से अब फ्लावर बन रहा है,
और इसके बनने के दौरान कारकीय परिवर्तन या फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होंगे, तो आप जानते हैं हॉर्मोन्स के इंडक्शन से ये चेंजेस होते हैं। तो देखो, इनको समझने और फ्लॉरिंग प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास बेसिक रेफरेंसेज है कुछ 4 से 5 बेसिक बातें आप ध्यान रखिए, आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, उस प्लांट को कंप्लीट इंडक्टिव साइकिल स्टूडेंट्स जो दिया जाता है वो 24 घंटे का होता है। कंप्लीट जो साइकिल है उसका टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। कोई डाउट इसमें नहीं है, सबको पता है ये बात, ठीक है। 24 आवर्स का एक इंडक्टिव साइकिल हर एक प्लांट में होता है। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैं ये कहूं कि 12 आवर्स तो हमने इस प्लांट को दे दिया लाइट, 12 आवर्स इस प्लांट को क्या दे दिया गया, लाइट, और 12 आवर्स या 12 घंटे इस प्लांट में क्या था इसके पास, अंधकार या डार्क, ठीक है। ये 12 घंटे अंधकार में था। अब आपसे पूछ लिया जाए ये प्लांट LDP है या SDP है, ये लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। तो देखो, कई बार हम जल्दी करते हैं, LDP या फिर SDP आपको ये डिसाइड करना है। इस कंडीशन से हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, 12 घंटे इसको प्रकाश दिया गया, 12 घंटे इसको अंधकार में रखा गया। अब हमें ये नहीं पता है कि इसको अंधकार में रखा गया 12 घंटे या प्रकाश में रखा गया, तो इस प्रकार की स्थिति में इसमें पुष्पन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो LDP और SDP डिसाइड करने के लिए सबसे पहली जानकारी आपके पास ये होनी चाहिए, सबसे पहली जानकारी या तो प्लांट में क्या हो रही होगी फ्लोरिंग, या प्लांट में आप ये कह सकते हैं फ्लोरिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक स्टेप हुआ, मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्लांट में फ्लोरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तब जाके आप LDP और SDP डिसाइड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको पता लगा कि इसमें फ्लोरिंग हो रही है, या फिर ये पता लगा इसमें फ्लोरिंग नहीं हो रही है, तो आपको ये फिर क्लियर होना चाहिए जो फ्लोरिंग जो है उसका रीजन क्या है, रीजन ऑफ फ्लोरिंग फेनोमेनन। जो पुष्पन की परिघटना है, इस पुष्पन की परिघटना का कारण आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें दो स्थिति में बना दूं कि इस पादप में एक स्थिति पे आपको विचार करना पड़े वो ये है कि इसमें पुष्पन हो रहा है, और दूसरी स्थिति पे आपको विचार करना पड़े कि इसमें पुष्पन नहीं हो रहा है। तो पुष्पन अगर इसमें हो रहा है तो 12 घंटे का अबाधित प्रकाश दिए जाने से हो रहा है, या 12 घंटे का अबाधित अंधकार रखे जाने से हो रहा है, इनमें से कोई एक कारण है। या हालांकि पुष्पन होता तो लाइट से ही है, तो ये 12 घंटे की लाइट पर पुष्पन अगर कर रहा है, अब इस लाइट के ड्यूरेशन को बढ़ा के देख लो, अगर 12 घंटे से ज्यादा के प्रकाश पे भी ये पुष्पन करता है, तब तो ये प्लांट कैसा होना चाहिए, LDP। और जैसे ही 12 घंटे से ज्यादा लाइट आपने बढ़ाई, ओबीएस है, 12 घंटे से ज्यादा लाइट बढ़ाओगे तो डार्क फेज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ऐसा होते ही अगर इसमें पुष्पन नहीं होता है तो प्लांट कैसा है, फिर SDP है। तो रीजन ऑफ फ्लोरिंग फिनोमिनन जब तक आपको नहीं पता है कि प्रकाश अवधि जो उसको मिल रही है पादप को उसके कारण उसमें पुष्पन हो रहा है, या फिर अबाधित अंधकार अवधि जो मिल रही है उसके कारण उसमें पुष्पन हो रहा है, जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो तब तक आप LDP और SDP डिसाइड नहीं करें। अब इसकी अगली कंडीशन पे मैं आ रहा हूं, आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे। इसी प्लांट में देखिए हमने स्टूडेंट चेंज किया, हमने कहा 12 घंटे के बजाय इसमें 14 आवर्स का 14 घंटे का लाइट दो आप, ठीक है। और इसमें 14 घंटे का लाइट अगर दोगे तो ऑब्वियस है 10 घंटे का इसमें क्या बच जाएगा, डार्क। ये इसकी अंधकार अवधि है और ये इसकी लाइट दिए जाने वाली प्रकाश अवधि है। अब ऐसा होने पर ये क्या दर्शाता है, अगर ये फ्लॉरिंग दर्शाता है, अगर ये क्या दर्शाता है, फ्लॉरिंग या पुष्पन ये दर्शाता है, तो स्टूडेंट्स यहां से एक बात आपको स्पष्ट हुई कि जो 12 घंटे की लाइट थी उस 12 घंटे की लाइट से बढ़ाकर लाइट 14 घंटे की कर दी गई, इस स्थिति में भी ये पुष्पन प्रदर्शित कर रहा है, ये फ्लॉरिंग कर रहा है, तो ये प्लांट जो है वो क्या होगा, LDP लॉन्ग डे प्लांट, क्लियर। और इस स्थिति में अगर ये पुष्पन नहीं करता तो देखो 12 घंटे से आपने डार्क कम कर दिया, इस स्थिति में अगर फ्लॉरिंग नहीं करता, दूसरी कंडीशन में नोट कर रहा हूं, इफ नो फ्लॉरिंग, इस स्थिति में अगर ये पुष्पन नहीं करता, फ्लॉरिंग नहीं होती, तो आप इस प्लांट को स्टूडेंट्स क्या कह देते, SDP शॉर्ट डे प्लांट, क्लियर। इसको LDP और इसको आप कह देते SDP।
तो ये एलडीपी और एसडीपी जो हैं, ये एलडीपी और एसडीपी कहे जा सकते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन हम ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 24 घंटे का जो पीरियड है, इस 24 घंटे के पीरियड में आपने प्लांट को 14 आवर्स का, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, जस्टिफाई होना चाहिए ना, 14 आवर्स का लाइट दिया, लेकिन बीच में आपने इसमें थोड़ी देर के लिए अंधकार कर दिया, तो इसको मान लो ऐसा कर लेते हैं हम, इसको 12 घंटे मान लेते हैं, फिर इसको 2 घंटे की लाइट हम मान लेते हैं, ठीक है, 14 घंटे की लाइट इसको मिल गई, और ये 10 घंटे का एग्जैक्टली इसमें 10 आवर्स का इसमें स्टूडेंट्स क्या हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। तो कंडीशन ए तो आपने पढ़ ली, ये कंडीशन बी पे आप आइए, क्या इस स्थिति में इसमें पुष्पन होना चाहिए, मैं इस एलडीपी की बात कर रहा हूँ, फ्लोरिंग हो रही थी, अब भी इसमें स्टूडेंट्स फ्लोरिंग होगी, क्योंकि लाइट अगर आप सेगमेंटेड देते हैं तो भी चलेगा, मतलब इसको जितने प्रकाश काल की आवश्यकता है वो प्रकाश काल खंडित भले ही हो लेकिन पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ कि अगर ये जो एक कंडीशन में प्लांट एलडीपी है, इस नीचे वाले को छोड़ दो आप, अगर ये प्लांट एलडीपी है, लॉन्ग डे प्लांट है, तो 14 आवर्स का लाइट अगर आपने इसको 12+2 आवर्स दो टुकड़ों में भी दिया, तब भी आप ये कह सकते हैं इस प्लांट में क्या होगी, फ्लोरिंग। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रकाश अवधि पूर्ण होना आवश्यक है, आवश्यक है, खंडित होने पर भी पुष्पन होता है, खंडित अगर होगी तब भी क्या होगा, पुष्पन होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगली बात पे आते हैं, अब देखो इस दूसरी कंडीशन पे डिस्कस कर लो, दूसरी कंडीशन पे डिस्कस हम कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एसडीपी प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, इनका ये हटा देता हूं, डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा था, विवरण इधर जो मैंने लिखा था ये हटा रहा हूं, आपको जो मॉड्यूल स्टडी मटेरियल दे रखा है उसमें एग्जांपल्स वगैरह भी इनके दे रखे हैं, काफी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, खैर कुछ बात हम कर लेंगे अभी यहां। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, इस प्लांट में हम कह रहे हैं 14 आवर्स का इसको मिल रहा है डार्क, 14 आवर्स का डार्क, और ये अनइंटरप्टेड या अबाधित है, ठीक है, ऑब्वियस है 10 आवर्स की लाइट मिल रही है। अब इस स्थिति में भी ये क्या करता है, पुष्पन कर देता है, फ्लोरिंग हो रही है इसमें। तो देखो इसमें फ्लोरिंग या पुष्पन अगर हो रहा है तो फ्लोरिंग या पुष्पन की परिघटना इसमें ये बात स्पष्ट करती है कि प्रकाश अवधि कम है और डार्क ज्यादा है, फिर भी पुष्पन हो रहा है, तो ये प्लांट कैसा है, एसडीपी है। या इसी के सापेक्ष हम लेके चल लेते हैं, हमने पहले 12-12 घंटे रखा था, हमें पता नहीं था फ्लोरिंग हो रही है, लेकिन आपने क्या किया, इसमें अंधकार अवधि और बढ़ा दी, लाइट कम कर दी, लाइट कम करने के बाद भी इसमें फ्लोरिंग हो रही है, इसका मतलब प्लांट क्या है, एसडीपी है। लेकिन अगर आप इसमें जो 14 आवर्स का डार्क है उसको देखो, पहले देते हैं आप 8 आवर्स डार्क रखते हैं, उसके बाद में लाइट जला देते हैं यहां, फिर आप उसमें 6 आवर्स डार्क ही रखते हैं, तो ये 6 घंटे अंधेरा हुआ, 8 घंटे भी इसमें अंधेरा हुआ, 14 घंटे, और एग्जैक्टली स्टूडेंट्स 10 आवर्स या 10 घंटे आप ये कह सकते हैं इसको क्या दी जा रही थी, लाइट। तो इस स्थिति में जब 10 घंटे इसको लाइट दी जा रही थी, इस स्थिति में भी देखो 10 घंटे लाइट दी गई, इस स्थिति में इसमें क्या पुष्पन होना चाहिए, इसमें इस स्थिति में 10 घंटे लाइट दी गई, डार्क जो है वो 8+6 दिया गया, लेकिन बीच में इसमें जो है वो लाइट का इंटरप्शन दे दिया गया, इसमें आप ये कह सकते हैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ये एसडीपी है, इसमें फ्लोरिंग नहीं होगी, नो फ्लोरिंग, पुष्पन इसमें नहीं होगा। तो पुष्पन नहीं होने का कारण क्या है, आप ये कहेंगे अंधकार जो है एसडीपी के लिए, अंधकार अबाधित
होना आवश्यक है। अंधकार अबाधित होना आवश्यक है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप एसडीपी पढ़ रहे हैं, अगर आप एसडीपी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रकाश अवधि है निश्चित तौर पर उसी से पुष्पन होगा, लेकिन प्रकाश अवधि की तुलना में वहां जो अंधकार अवधि है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एसडीपी प्लांट में जो अंधकार है वो अबाधित होना चाहिए, अर्थात अंधकार अबाधित। और इस अंधकार अबाधित होने को मैं लिख सकता हूं, आप याद रखें, ये बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर रखेगा, अंधेरा कायम रहे, क्लियर, अंधेरा कायम रहे। अगर ये है, ऐसा है, तो एसडीपी में फ्लोरिंग हो जाएगी। हाँ, उसकी अंधकार अवधि को आप सेगमेंटेड नहीं कर सकते, तो अब देखो चार स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपके बीच बोल रहा हूं, सुन लें आप। एसडीपी और एलडीपी में फ्लोरिंग फिनोमिनन से रिलेटेड ये चार बातें आपको सारा स्पष्ट कर देंगे, क्लियर। सबसे पहली बात, आप ये कहेंगे कि प्रत्येक पादप पुष्पन की प्रक्रिया के लिए एक निर्धारित प्रकाश काल की आवश्यकता रखता है, ठीक है। प्रत्येक पादप को एक निर्धारित प्रकाश काल की आवश्यकता है। ये जो निर्धारित प्रकाश काल है, इसको क्रांतिक, या फिर आप कह सकते हैं निर्धारित प्रकाश काल जो प्रत्येक पादप को आवश्यक है उसको डे लेंथ कहते हैं, फोटो पीरियड उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जो निर्धारित प्रकाश काल और प्रकाश अवधि है, उससे कम प्रकाश पर भी जो प्रत्येक पादप एक निर्धारित प्रकाश काल की अवधि जो है उसकी रिक्वायरमेंट रखता है। अगली बात, आप ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में क्रिटिकल डे लेंथ या एक क्रांतिक प्रकाश अवधि है, क्रांतिक प्रकाश अवधि जो है उससे अधिक प्रकाश दिए जाने पर भी जो पुष्पन करे वो एलडीपी होगा, वो लॉन्ग डे प्लांट होगा, और उस क्रांतिक प्रकाश अवधि से कम प्रकाश दिए जाने पर भी जो पुष्पन करे वो एसडीपी होगा, क्लियर। तो दो बात क्लियर हुई, प्रत्येक पादप में पुष्पन की प्रक्रिया या पुष्पन प्रक्रिया का अभिप्रेरण एक निर्धारित प्रकाश अवधि से ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां आप ध्यान में जो रखें वो बात यह है कि क्रांतिक प्रकाश अवधि के लिए, सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूं, क्रांतिक प्रकाश काल या क्रांतिक प्रकाश अवधि से कम प्रकाश पर पुष्पन एसडीपी करता है, और उससे अधिक प्रकाश अवधि पर पुष्पन एलडीपी करता है, क्लियर। दो बातें, तीसरी बात, जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उन लॉन्ग डे प्लांट्स की जो फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट है, जो लाइट या प्रकाश अवधि की उनकी आवश्यकता है, वो सेगमेंटेड हो सकती है, प्रकाश खंडित हो सकता है, लेकिन जितना 24 घंटे में प्रकाश उसको रिक्वायर्ड है, प्रकाश की आवश्यकता जितनी है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। तो प्रकाश अवधि जो है वो क्या हो सकती है, सेगमेंटेड खंडित, लेकिन अंधकार अवधि सदैव अबाधित होनी चाहिए। एसडीपी प्लांट्स के लिए, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एसडीपी प्लांट्स में फ्लॉरिंग करवाना चाहते हैं तो वहां अंधकार जो है वो सदैव क्या होना चाहिए, अबाधित। अंधकार में अगर आपने बाधा डाली, अंधेरे में अगर आपने खलल पैदा की, तो पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी, फूल नहीं खिलेंगे। फूल खिलाने के लिए एक ही काम जरूरी है, अंधेरा कायम रहे, शॉर्ट डे प्लांट्स, क्लियर। तो ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स रिलेटेड चार कंसेप्ट, चार बातें हैं, ठीक है। क्रिटिकल डे लेंथ या क्रांतिक प्रकाश काल अवधि, क्रांतिक प्रकाश अवधि के ऊपर एलडीपी पुष्पन करता है, क्रांतिक प्रकाश अवधि के नीचे एसडीपी पुष्पन करता है, क्लियर। आप कह रहे हैं प्रकाश अवधि जो एलडीपी प्लांट्स के लिए वो खंडित हो सकती है, सेगमेंटेड हो सकती है, लेकिन जो प्लांट एसडीपी हैं उनमें अंधकार काल महत्वपूर्ण है, उनको अबाधित अंधकार काल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये एलडीपी और एसडीपी की कंडीशंस स्टूडेंट्स हो गई। अब इसके बाद, हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं एलडीपी और एसडीपी के एग्जांपल्स की। आपने फोटो पीरियडिज्म की डिटेल पढ़ ली है, दीप्तकालिता जिसको हम कह रहे हैं, और इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट्स। आपने कहा क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम प्रकाश अवधि पर ये पुष्पन की प्रक्रिया करेंगे, और ये प्लांट हैं टोबैको, तंबाकू, सोयाबीन, वायोला, जेंथियम, सोयाबीन, वायोला, जेंथियम, ठीक है,
इसके अलावा आप कह सकते हैं क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी जिसको कहते हैं डहेलिया, क्राइसेंथेमम ये गुलदाउदी है, डहेलिया आप कह सकते हैं, राइस बेसिकली शुगर केन और राइस ही हमारे काम के हैं, ये मैं लिख देता हूँ। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल्स का नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलडीपी हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, इसमें आप कह सकते हैं रेडिस, मूली, ठीक है। साथ में स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं पालक, स्पिनच, स्पेंसिया जो होता है, पालक, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं एविना सेटाइवा, जो जई है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स या एलडीपी में काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप कहें जैसे बीट रूट एक होता है, चकुंदर, ये कह सकते हैं, रेडिस के साथ कैरेट भी आप कह सकते हैं, गाजर, ठीक है, बीट रूट हुआ, एविना जई आपने पहले पढ़ाई है, पोटैटो एक हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखें ये कुछ प्लांट्स हैं। डीएनपी जो है उसमें मेज हुआ, टोमेटो हुआ, सूरजमुखी हुआ, डीएनपी इसमें आप ध्यान रखें मेज, टोमेटो, सनफ्लावर, ये कुछ प्लांट्स हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट्स कहे जाते हैं। अब देखो इसका एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी ने मेंशन जो किया है तो चैप्टर नंबर 15 में आप स्टूडेंट्स आ जाएं, जैसा बाकी सब में भी हमने एनसीईआरटी डिस्कस की है अब तक। हेलो हेलो, हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्नलाइजेशन, फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक आपका है वर्नलाइजेशन, वसंतीकरण। देखिए वसंतीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बेसिकली ये कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, और कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जिससे प्लांट्स में फ्लॉरिंग की प्रोसेस को, पुष्पीय प्रक्रिया को, पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सके, उसको स्टिमुलेट किया जा सके, उसके लिए ये बेसिकली किया जाता है। तो वसंतीकरण को मैं कह सकता हूँ ये निम्न ताप उपचार, कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स है, कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और जो कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट ये निम्न ताप उपचार है, इसके द्वारा आप कहेंगे फ्लावर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, पुष्पीय परिवर्धन जो है इसको इनिशिएट किया जाता है, इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट, ठीक है, पुष्पीय परिवर्धन का आरंभ, तो पुष्पीय परिवर्धन है उसको आरंभ करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए आप कह सकते हैं क्या दिया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, निम्न ताप उपचार। अब अगला आप ये रेफरेंस यहां पढ़िए, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ, तो मैंने कुछ हॉर्मोन्स के साथ भी आपसे डिस्कस किया था, जैसे जिब्रेलिक एसिड की हम जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया जो है उसको रिप्लेस कर सकता है, जो कॉल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट है उसको रिप्लेस कर सकता है। तो देखिए किसी भी प्लांट के लाइफ स्पान में, लाइफ स्पान इसका जीवन काल होगा, इस लाइफ स्पान में, जीवन काल में बच्चों दो फेज होते हैं, दो स्पष्ट प्रावस्थाएं आप यहां देख सकते हैं,
और ये है वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज जिसको आप कायिक अवस्था कहते हैं, और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, इसको आप कहते हैं जननिक अवस्था। क्लियर, यह है रिप्रोडक्टिव फेज, जननिक अवस्था। तो कायिक अवस्था और जननिक अवस्था ये है। अब देखिए यहां क्या होगा, कायिक अवस्था जो है, इस कायिक अवस्था में पादप में जो बीजांकुरण होता है, या पादप का जो बीजांकुरण होता है उससे बीजांकुरण के ठीक बाद नवोद्भिद का निर्माण होता है। तो नवोद्भिद बनना, इसका मतलब है सीडलिंग स्टेज प्लांट में आ गई। तो वेजिटेटिव फेज कहां से शुरू होती है, आप देखिए नवोद्भिद से लेकर ये पुष्पन से पूर्व, पुष्पन से पूर्व की अवस्था है। नवोद्भिद से लेकर पुष्पन से पूर्व की अवस्था कायिक अवस्था है, और ये जो जननिक अवस्था है ये आप कहेंगे पुष्पन के आरंभन से प्रारंभ हो जाती है। पुष्पन के आरंभन से प्रारंभ हो जाती है और परिपक्वन, मैच्यूरेशन, या आप कह सकते हैं जीवन काल के अंतिम अवस्था तक ये चलती रहती है। तो ये इस तरीके से वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज है। अब कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट से देखिए क्या होता है, अगर मैं ये कहूं कि यहां ये करवा लिया जाए शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज, शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज, अगर वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग करवा ली गई, वेजिटेटिव फेज को छोटा करवा लिया गया, हार्मोन का इंडक्शन देके, हार्मोन स्टिमुलेशन उसको देके, वेजिटेटिव फेज की क्या करवाई गई, शॉर्टनिंग। वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग से क्या हुआ, आप कहेंगे इससे प्रभाव ये आया अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इससे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिला अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज और जननिक अवस्था है, उस रिप्रोडक्टिव फेज और जननिक अवस्था का अर्ली इंट्रोडक्शन, प्रारंभन, या फिर आप कह सकते हैं इनिशियल स्टेज आ गया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग करवाने से पुष्पन प्रक्रिया या जननिक प्रक्रिया जो है उसका प्रारंभन जल्दी हो जाता है, और अगर रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली इंट्रोडक्शन आएगा तो ओबीएस है यहां क्या होगी, फ्लॉरिंग प्रोसेस होगी, यहां पुष्पन की प्रक्रिया होगी, और ये फ्लॉरिंग प्रोसेस या पुष्पन की प्रक्रिया जो है वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग से आई है, इसको हम कहते हैं वसंतीकरण, जो निम्न ताप उपचार द्वारा की जा सकती है। अगला, यहां मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो निम्न ताप उपचार की प्रक्रिया है, इसके अलावा इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आप कहेंगे जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग द्वारा, आप नोट करते रहें, जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग द्वारा भी क्या किया जा सकता है, वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग और रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली इंट्रोडक्शन करवाया जा सकता है। तो जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग द्वारा भी पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है, पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्नेलाइजेशन को सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वर्नेलाइजेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको रिप्लेस करने के लिए, वर्नेलाइजेशन को रिप्लेस करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त किया जा सकता है, आपका आंसर स्टूडेंट्स होना चाहिए जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, डिफाइन अगर आपको फाइनली करना हो तो आप एक स्टेटमेंट और लिख लें, निम्न ताप उपचार द्वारा पुष्पन प्रक्रिया को त्वरित करना, निम्न ताप उपचार द्वारा, जैसा हम कह रहे हैं कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट द्वारा पुष्पन प्रक्रिया या पुष्पन प्रेरण को त्वरित करना, स्पीड अप करना, त्वरित करना क्या है, वसंतीकरण है, वसंतीकरण का प्रोसेस है, वसंतीकरण की प्रक्रिया है। तो निम्न ताप उपचार द्वारा पुष्पीय प्रेरण कर लिया जाता है, इसको आप कहते हैं स्टूडेंट्स वसंतीकरण। ठीक है, अब ये वसंतीकरण की प्रक्रिया क्या पुष्पन को ही प्रेरित करती है, इसके अलावा अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं जैसे जो बर्ड्स हैं, कलिकाएं हैं, उन बर्ड्स की डॉर्मेंसी या प्रसुप्तता को भंग करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये
सीड्स पर भी अप्लाई होती है, लेकिन आप ध्यान रखें सारे जो बर्ड्स और कलिकाएं हैं उन पे और सारे बीजों पर इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली टेम्परेचर फेज भी हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप कह सकते हैं प्रयोगशाला परिस्थितियों में या लेबोरेटरी कंडीशंस में, प्रयोगशाला परिस्थितियों में बच्चों टेम्परेचर जो यहाँ रखा जाता है वो आप कहेंगे 1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उपचारित किया जा सकता है। बेसिकली 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है, जिससे आप ये कह सकते हैं यहाँ वसंतीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। अब एक बार कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर आपने दे दिया, वसंतीकरण आपने करवा लिया, और उसको अगर हाई टेम्परेचर में आप शिफ्ट करते हैं आफ्टर वर्नेलाइजेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंग्लिश में आफ्टर वर्नेलाइजेशन, वर्नेलाइजेशन अगर वर्नेलाइजेशन आपने करवा लिया, इसका मतलब है सी ताप उपचार आपने करवा लिया, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपने करवा लिया, उसके बाद आप हाई टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर पर इसको शिफ्ट करते हैं, उच्च ताप पर इसको शिफ्ट किया जाना डी वर्नेलाइजेशन कहा जाता है, डी वर्नेलाइजेशन कह दिया जाता है, वसंतीकरण, ठीक है। तो वसंतीकरण की जो प्रक्रिया है उससे फायदा क्या हुआ, आप कहेंगे शीघ्र पुष्पन करवाया जा सका, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज मैंने पहले ही लिख दिया था, शीघ्र पुष्पन करवाया जा सका, पुष्पन की प्रक्रिया को त्वरित करवाया जा सका, और साथ में आप ये कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसी रिप्रोडक्टिव फेज को डिले नहीं करवाकर उसमें पुष्पन की प्रक्रिया से उत्पादन लिया जा सका, इसके लिए वर्नेलाइजेशन की प्रक्रिया करवाई जाती है। एक और काम की बात देखिए, क्या आप ये कह सकते हैं जो टेम्परेट फेज के प्लांट हैं, जो शीतोष्ण क्षेत्र के पादप है, टेम्परेट में लिख रहा हूं, यहां देखिए एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो शीतोष्ण क्षेत्र के पादप हैं, उन शीतोष्ण क्षेत्र के पादपों के लिए आप ये कह सकते हैं ये जो वर्नेलाइजेशन है ये नेचुरल फिनोमिनन है, इनके लिए वर्नेलाइजेशन नेचुरल फिनोमिनन है। वर्नेलाइजेशन को आप कहेंगे शीतोष्ण क्षेत्र के पादपों के लिए ये नेचुरल फिनोमिनन प्राकृतिक परिघटना है, इनके लिए स्टूडेंट्स प्राकृतिक परिघटना है, क्योंकि सामान्यतः पादप जिन आवासों में उगते हैं वहां तापमान काफी कम रहता है और वहां से प्लांट जो है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से कम ताप उपचार, निम्न ताप उपचार जो है उसको ग्रहण करते हैं, क्लियर। तो अब देखो एनसीईआरटी में जो प्रोसेस दे रखी है, प्रक्रिया दे रखी है, उस पर आ जाते हैं। वर्नेलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, आपने इसका सारा बेसिक इंट्रोडक्शन नोट कर लिया होगा, आपको वहां दे रखा है कि जो प्लांट्स हैं, जैसे स्पेसिफिकली क्रॉप प्लांट्स, विशिष्ट तौर पर जो क्रॉप प्लांट्स हैं, फसली पादप हैं, इन क्रॉप प्लांट्स और फसली पादपों में दो टाइप की वेराइटीज होती हैं। जैसे आपको वीट और राई का एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में कि दो वेराइटीज इनकी होती हैं, और ये जो दो वेराइटीज हैं ये क्या हैं, एक विंटर वेराइटी आप कहेंगे और दूसरा आप कहेंगे स्प्रिंग वेराइटी, ठीक है। तो विंटर वेराइटी को विंटर में बोया जाना चाहिए और स्प्रिंग वेराइटी को स्प्रिंग में बोया जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई, बिल्कुल सरल बात है, ये सीधी बात है कि स्प्रिंग वेराइटी जो वसंत की किस्म है उसको वसंत में बोया जाना चाहिए और जो शरद की किस्म है, विंटर वेराइटी है, उसको शरद में बोया जाना चाहिए, ठीक बात है। फिर हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, हम अगर विंटर वेराइटी को जो शरद की किस्म है उसको स्प्रिंग में बोते हैं तो उस पर जो प्रभाव आपको दिखाई देगा वो आपको किसकी इंपॉर्टेंस बता देगा, वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण की, कि अगर आप शरद की किस्म को वसंत में बोते हैं तो इस स्थिति में जो शरद किस्म है वो वसंत में ग्रोइंग कंडीशन में नहीं आ पाएगी, उसमें फ्लॉरिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, उसमें पुष्पन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो वर्नेलाइजेशन का इफेक्ट है, जो वसंतीकरण का प्रभाव है, उसको आप शरद की किस्म में ही देख सकते हैं। शरद की किस्म को वसंत में आप लाकर अगर बो देते हैं तो वहां इसके प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो देखो आप कहेंगे क्रॉप प्लांट्स, फसली पादप, जैसे स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दे रखा है, मैं भी बात कर रहा था वीट एंड राई, वीट और राई,
अब ये जो फसली पादप हैं इनकी दो किस्में हैं, टू वेराइटीज, और ये जो किस्में हैं एक आप कहेंगे विंटर वेराइटी सरद किस्म, और दूसरा आप कहेंगे स्प्रिंग वेराइटी वसंत किस्म। ठीक है, एक स्टूडेंट्स आप कह देंगे विंटर वेराइटी है, विंटर वेराइटी, और दूसरा आप पढ़ रहे हैं स्प्रिंग वेराइटी, स्प्रिंग वेराइटी। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट तो मैंने ये बोला कि जो विंटर वेराइटी उसको विंटर में कल्टीवेट किया जाना चाहिए, उसको बोया जाना चाहिए, और जो स्प्रिंग वेराइटी उसको स्प्रिंग में बोया जाना चाहिए। तो क्यों इनका रेफरेंस हम यहां से चेक कर रहे हैं कि ऐसा ही क्यों जरूरी है? तो आप देखो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं स्प्रिंग वेराइटी ले लेते हैं वसंत की किस्म। अब स्प्रिंग कब आता है, वसंत कब आता है? जब प्रकृति महकती है, चहकती है, बोलती है स्प्रिंग वेराइटी में, सॉरी स्प्रिंग सीजन में। देखिए स्प्रिंग वेराइटी का रेफरेंस मैं ले रहा हूं, स्प्रिंग वेराइटी। ठीक है, सबसे पहले आप कहेंगे शॉन एंड फील्ड्स, खेतों में उसका बोया जाना, कब ये होगा? इसके बाद आप कहेंगे उसका ग्रोइंग फेज आएगा, ग्रोइंग फेज वृद्धिकारी अवस्था। इसी के साथ साथ आप कहेंगे ये फ्लॉरिंग या पुष्पन प्रदर्शित करेगी, पुष्पन प्रदर्शित करने के साथ साथ स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये प्रोडक्टिविटी दे देगी, उत्पादन इससे मिलने लगेगा हार्वेस्टिंग के द्वारा, मतलब उससे उत्पादन ले लिया जाएगा, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे उसको स्प्रिंग वैरायटी को खेत में बोया जाना, मैं सीधा लिख देता हूं खेत में बोई जाती है, खेत में बोई जाती है। कब? देखो स्प्रिंग सीधा तरीका एक बता देता हूं याद रखने का, क्योंकि ये आपको ज्यादा अच्छे याद रहते हैं। जस्ट आफ्टर द वैलेंटाइंस, मतलब फरवरी जो है, फेब मार्च में, खेत में कब बोई जाती है ये आप कहेंगे फेब मार्च में, बेसिकली जो स्प्रिंग सीजन या वसंत है इसमें ये बोई जाती है। अब आगे अप्रैल मई जून और ये सब जो आएंगे, तो ये जो ग्रोइंग और फ्लॉरिंग फेज है इसकी, ये स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूँ ये मिड समर का टाइम होगा। ठीक है, ये मिड समर का टाइम होगा, और फाइनली जो हार्वेस्टिंग और प्रोडक्टिविटी ले ली जाएगी, ये हार्वेस्टिंग और प्रोडक्टिविटी आप ये कह सकते हैं फुल स्विंग समर का टाइम होगा, गर्मी का टाइम होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो यहां वसंत किस्म को फेब मार्च में खेत में बोया गया। ठीक है, आप कहेंगे अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में ये ग्रोइंग सीजन शो करती है। इसी में आप कह सकते हैं जो मई जून है इसमें, इसमें पुष्पन होने के साथ साथ फाइनली समर में ये प्रोडक्टिविटी दे देती है, प्रोडक्शन यील्ड, उत्पादन लब्धि इससे प्राप्त हो जाती है, प्रोडक्शन यील्ड, ये उत्पादन लब्धि इससे प्राप्त हो जाती है। तो देखो बहुत साफ है, स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में बोया गया, इसका मतलब फेब मार्च में बोया गया जब खेत में बोई जाती है, उसके बाद में उसका ग्रोइंग फेज या नवोद्भिद की वृद्धिकारी अवस्था, वृद्धिकारी अवस्था, और साथ साथ आप कहेंगे इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है पुष्पन। तो यहां पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि देखो जो पुष्पन की प्रक्रिया स्प्रिंग वैरायटी में हो रही है, ये पुष्पन की प्रक्रिया तब हो रही है जब मिड समर है। जब पुष्पन की प्रक्रिया कब हो रही है, जब क्या है वहां मिड समर है, इसका मतलब पुष्पन की प्रक्रिया यहां बढ़ते हुए तापमान के साथ हो रही है। इधर से इधर अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग वैरायटी जो है एट द एंड ऑफ सीजन, ये इसका जो सीजन है वो एंड हो गया, तो इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है,
मतलब आप ये कह सकते हैं इस पे क्या ले लिया गया, उत्पादन ले लिया गया। ये प्रोडक्शन यील्ड जो मैंने लिखा है ये उत्पादन लब्धि को दर्शाता है, प्रोडक्शन यील्ड या उत्पादन लब्धि। ठीक है, अब देखो इस स्प्रिंग में हम विंटर वैरायटी को लाके बोते हैं, देखें क्या होता है। सॉरी, अच्छा मैंने ये इसको हटा दिया। ये देखिए प्रोडक्शन यील्ड को थोड़ा आगे लिख देता हूं, प्रोडक्टिविटी, और ये आएगा आपका, आप कह सकते हैं मई जून तक या जून जुलाई में आप जाके। जून जुलाई, और ये यहां मिल जाएगा आपको प्रोडक्शन यील्ड, प्रोडक्शन यील्ड उत्पादन लब्धि। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास एक वैरायटी थी पहली, स्प्रिंग वैरायटी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा लेते हैं विंटर वैरायटी। गेहूं की जो स्प्रिंग वैरायटी थी, उस स्प्रिंग वैरायटी को आपने स्प्रिंग में बोया, वसंत में बोया, स्वाभाविक तौर पर उसमें पुष्पन की प्रक्रिया हुई और उससे उत्पादन आपको मिल गया। ठीक है, ये विंटर वैरायटी है, शरद की किस्म है, और इस शरद की किस्म को बोया जा रहा है कब, वसंत में। शरद की किस्म को वसंत में बोया जा रहा है, ऑब्वियस है। विंटर वैरायटी को भी फेब मार्च में आपने बोया। अब फेब मार्च में जैसे ही आपने बोया तो सामने देखो आपने कहा क्या आ रहा है, मिड समर, ऐसा ही है मिड समर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फाइनली आप देखते हैं क्या है, समर, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। इस स्थिति में ये विंटर वैरायटी जो है जैसे ही फेब मार्च में बोया गया तो जर्मिनेट तो हो जाएगी, अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण से आप कह सकते हैं नवोद्भिद जो है वो बन जाएगा। लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे नो फ्लावरिंग, यहां फ्लावरिंग ये नहीं कर पाएगी, पुष्पन में फेल हो जाएगी, पुष्पन की प्रक्रिया में फेल हो जाएगी, तो ऑब्वियस है नो फ्लावरिंग, नो प्रोडक्टिविटी, नो प्रोडक्टिविटी। ये लीजिए, तो क्या किया गया, स्प्रिंग की वैरायटी को, जो स्प्रिंग वैरायटी थी उस स्प्रिंग वैरायटी को स्प्रिंग में जब बोया गया तो आपने कहा फाइनली प्रोडक्शन आ गया था। अब हमने चेंज करके क्या किया है, जो स्प्रिंग वैरायटी है, सॉरी स्प्रिंग सीजन है, उसमें विंटर वैरायटी को हमने कल्टीवेट किया, तो विंटर वैरायटी को या शरद की किस्म को फेब मार्च में जब खेत में बोया जाता है तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, सीडलिंग स्टेज या नवोद्भिद अवस्था तो आ जाएगी। लेकिन विंटर वैरायटी का तो नेचर है ना कि उसको कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए होता है नेचुरली, वो उसको नहीं मिल पाया, और ऐसी स्थिति में आगे फ्लॉरिंग, पुष्पन की प्रक्रिया नहीं हो सकी, और पुष्पन प्रक्रिया नहीं हो सकी तो स्वाभाविक बात है उत्पादकता नहीं आई। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं, विंटर वैरायटी को विंटर में कल्टीवेट करके देखते हैं, देखिए चेंज मिलेगा आपको। तो कंडीशन सी मैं लिख रहा हूं, अब आपको फिर क्या करना है, विंटर वैरायटी, विंटर वैरायटी इसको आप ऑटम में, ऑटम शरद लिखा जाता है, में खेत में बोइए, तो आप ये कहेंगे अक्टूबर नवंबर में, इन महीनों में खेत में बोई जाती है। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, अब आगे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो इसका सीडलिंग और ग्रोइंग सीजन आएगा, सीडलिंग स्टेज एंड ग्रोइंग सीजन। तो देखो सीडलिंग स्टेज या नवोद्भिद अवस्था इसकी आ गई है, सीडलिंग स्टेज, या स्टूडेंट्स इसको आप कहेंगे नवोद्भिद अवस्था। इस नवोद्भिद अवस्था के बाद में आप कहेंगे इसका ग्रोइंग फेज, ग्रोइंग एंड फ्लॉरिंग फेज, इसमें पुष्पन होगा, और फाइनली आप कह सकते हैं यहां से क्या मिल जाएगी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ठीक है, अब ये कब कब मिलेगी, तो विंटर वैरायटी जो आपने अक्टूबर नवंबर में कल्टीवेट की, खेत में बोई, इसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि यहाँ दिसंबर से लेकर अल्टीमेटली फरवरी तक, फेब तक, ये कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, कोल्ड टेम्परेचर जो है वो ये प्लांट फेस करते हैं, ठीक है। इस स्थिति में जब कोल्ड टेम्परेचर ये प्लांट फेस करते हैं, या इसका सीडलिंग स्टेज जो होता है, इसकी जो नवोद्भिद अवस्था है वो कोल्ड टेम्परेचर लेती है, सीडलिंग स्टेज जो है इसका आप कह सकते हैं शीत ताप उपचार इसी फेज में हो जाता है, तो शीत ताप उपचार होने से यहां ग्रोइंग और फ्लॉरिंग सीजन इसका आ जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे फेब मार्च में ग्रोइंग और फ्लॉरिंग सीजन आ जाएगा, और फाइनली अप्रैल मई में आप कहेंगे स्टूडेंट्स इनसे प्रोडक्टिविटी ले ली जाएगी। तो देखो, विंटर वैरायटी को जब विंटर में बोया गया था तो ये विंटर वैरायटी नेचुरली अक्टूबर नवंबर में बोएगी, दिवाली के ठीक बाद या दिवाली के आसपास ऑटम, और स्प्रिंग को अगर आप देखें तो वो वैलेंटाइंस डे के ठीक बाद फरवरी में, ठीक है। तो स्प्रिंग और विंटर देख रहे हैं आप। अब विंटर वैरायटी को जब ऑटम में अक्टूबर नवंबर में बोया गया था, तो सामान्यतः आप जानते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो महीने हैं इनमें काफ़ी अच्छी सर्दी होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वहाँ उस सीडलिंग स्टेज को, जो नवोद्भिद अवस्था इस ऑटम वैरायटी की थी, इस विंटर वैरायटी की थी, उसको आप कहेंगे नेचुरली निम्न ताप उपचार मिला, और ये जो नेचुरली कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इसको मिला, इसके कारण या इसके साथ साथ आप कहेंगे ये अपने ग्रोइंग फेज वृद्धि कार्य स्थिति में आई, पुष्पन इसने किया, तो फेब मार्च में आते आते इसमें फाइनली पुष्पन की प्रक्रिया हो गई, और अप्रैल मई में जाते जाते इसने क्या दे दी, प्रोडक्टिविटी अपनी कन्फर्म कर दी, ये इसको प्रोडक्टिविटी मिल गई। तो यहां आपको चेंज जो है वो क्या देखने को मिला कि देखिए, इसी वैरायटी को जब हमने स्प्रिंग में कल्टीवेट किया था तो स्प्रिंग में इसमें फ्लॉरिंग प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरली ये जो वैरायटी है जस्ट आफ्टर सीडलिंग स्टेज, नवोद्भिद अवस्था के ठीक बाद ये जो वैरायटी है वो प्राकृतिक रूप से एक निम्न ताप उपचार या शीत ताप उपचार ग्रहण करती है। अब इस अवस्था में इसको शीत ताप उपचार नहीं मिला, क्योंकि इस अवस्था में तो आप देखिए क्या हुआ, यहां जैसे ही ये बोई गई तो सीडलिंग स्टेज के ठीक बाद, जो सीडलिंग स्टेज है, जो नवोद्भिद अवस्था है, उस नवोद्भिद अवस्था के ठीक बाद इसको मिड समर फेस करना पड़ा, मींस टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, और उसके ठीक बाद अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर और बढ़ते हुए समर या ग्रीष्म काल का सामना इसको करना पड़ा। तो इस स्थिति में इसमें फ्लॉरिंग का प्रोसेस नहीं हो पाया, इसमें पुष्पन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो स्वाभाविक तौर पर इसमें उत्पादकता नहीं आई। तो ये स्टूडेंट्स अल्टीमेटली एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है कि जो विंटर वैरायटीज हैं उनको विंटर में आप कल्टीवेट करिए, जो स्प्रिंग वैरायटीज हैं उनको स्प्रिंग में कल्टीवेट करिए। अगर आपने विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में कल्टीवेट कर दिया तो इस स्थिति में उसमें फ्लॉरिंग नहीं होगी। अब ये जो आपने विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में कल्टीवेट किया और फिर उसके बाद देखा कि यहाँ फ्लॉरिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है, अगर आप इसमें फ्लॉरिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सीधा जवाब है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में अगर आप फ्लॉरिंग या पुष्पन करवाना चाहते हैं तो नवोद्भिद अवस्था में इस वैरायटी को शीत ताप उपचार दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्टार लगा के आप लिख लें, अगर आप इसमें पुष्पन चाहते हैं तो इसकी सीडलिंग स्टेज या नवोद्भिद अवस्था में शीत ताप उपचार दिया जाना चाहिए। और शीत ताप उपचार दिए जाने से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो सकता है, शीत ताप उपचार दिए जाने से यहाँ फ्लॉरिंग प्रोसेस हो सकती है। लेकिन देखिए, फील्ड प्रैक्टिसेज में या खेत में फसल अगर बोई हुई है तो उसमें इतना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे फील्ड को आप जो है वो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दें, लेबोरेटरी में आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास हुआ वर्नलाइजेशन, और उस वर्नलाइजेशन में जो इफेक्ट्स हैं वो आपने देखे। अब देखो, एनसीईआरटी का जो मैटर है उस पर मैं आ रहा हूँ। एनसीईआरटी इसके लिए क्या लिखती है, इसको आप देखिए, एनसीईआरटी में लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट पॉइंट है चैप्टर 15 का, वर्नलाइजेशन इसने लिखा है। देखो वर्नलाइजेशन है, वो कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो फ्लॉरिंग करते हैं तो जो टेम्परेचर का एक्सपोजर है, जो टेम्परेचर है, तापमान है, उस पर उनकी निर्भरता होती है। तो यहाँ निम्न ताप उपचार हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, कम टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। ये जो फिनोमिनन है, ये जो परिघटना है, ये वर्नलाइजेशन कहा जाता है। और ये क्या करता है,
रिप्रोडक्टिव फेज में लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस हो उसको रोकता है। रिप्रोडक्टिव फेज में लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसमें लेट प्रोडक्टिविटी आए या लेट फ्लॉरिंग से प्रोडक्टिविटी लेट हो जाए, इसको ये रोकता है वर्निलाइजेशन, क्योंकि ये क्या करवा देता है, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि ये वेजिटेटिव फेज जो होगी, जो कायिक अवस्था है, उस कायिक अवस्था की शॉर्टनिंग करवा देगा, उसको छोटा कर देगा, और जो जननिक अवस्था है उस जननिक अवस्था को स्टूडेंट्स क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो कायिक अवस्था की शॉर्टनिंग करता है, जबकि जननिक अवस्था को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको स्टिमुलेट ये करता है। ये फिनोमिनन आपने डिस्कस किया है। फिर स्टूडेंट्स यहां जो कहा जा रहा है, अगला मैं पढ़ रहा हूं, यहां कहा जा रहा है कि जो वर्निलाइजेशन है वो विशेष तौर पर जो फ्लॉरिंग प्रोसेस या पुष्पन की प्रक्रिया है उसको निम्न ताप उपचार द्वारा प्रमोट करने की प्रक्रिया है। कुछ खाद्य प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स हैं, खाद्य पादप जो हैं, वीट और बारले और राई, तीन नाम यहाँ लिखे हैं, दो मैंने लिख दिए थे, वीट राई और बारले, जो गेहूं और राई, ये स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स हैं जिनके वो कह रहा है कि दो वैरायटीज उपस्थित होती हैं या दो किस्में उपस्थित होती हैं, एक स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग वैरायटी वसंत किस्म और दूसरी विंटर वैरायटी शरद की किस्म, तो इनको अलग अलग वैरायटीज में बोया जाना चाहिए। यहाँ फाइनल एक स्टेटमेंट है गौर करने वाला जिसमें कह रहा है यदि शरद की किस्में जो है वो स्प्रिंग वैरायटी स्प्रिंग में स्प्रिंग सीजन में बो दी जाएंगी तो इस स्थिति में वो अपने फ्लॉरिंग प्रोसेस को नहीं कर पाएंगी और जो है वो ग्रेन्स या दाने बीज सीड उत्पादन उनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो कंडीशन है ये क्यों नहीं किया जा सकता, आपने इसका कारण यहाँ डिस्कस कर लिया कि जैसे ही आप उसको विंटर वैरायटी शरद की किस्म को वसंत में बोते हैं, मतलब फेब मार्च में लाके जैसे ही आप उसको बोते हैं, तो इस स्थिति में अंकुरित होने के बाद जो नवोद्भिद आता है उसको उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है। मिड समर वाली कंडीशन यहाँ है, इसलिए वो जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में फेल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कुछ और एग्जाम्पल वर्निलाइजेशन के, देखें जो कह रहा है बाइनियल प्लांट्स में या जो द्विवर्षीय पादप हैं उनमें देखा जाता है, जो बाइनियल प्लांट्स हैं उनके लिए उसने कहा है वो मोनोकार्पिक प्लांट है, मतलब एक फलनी पादप है, पूरे जीवन काल में एक ही बार फल निर्माण की प्रक्रिया उनमें होती है। और उसके बाद यहाँ दिया गया आपको एग्जाम्पल, कहा गया सुगर बीट है, चकुंदर है, कैबेज है, कैरेट, गाजर है, ये जो है वो कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स हैं। इन बाइनियल प्लांट्स को कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो मिलता है वो सब्सिक्वेंटली फोटो पीरियडिक रेस्पॉन्स या फ्लॉरिंग रेस्पॉन्स इनमें ला देता है। तो देखो इनको डिस्कस कर लेते हैं, अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा है, आपको कह रहा है कुछ बाइनियल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स, ये बाइनियल प्लांट्स स्टूडेंट्स द्विवर्षी पादप है। जो बाइनियल प्लांट्स कहा जा रहा है, ये बाइनियल प्लांट्स क्या है, द्विवर्षीय पादप। ठीक है, द्विवर्षीय पादप, सामान्यतः द्विवर्षीय पादप वो होते हैं जिनका जीवन काल आप ये कह सकते हैं 12 महीने से अधिक और 24 महीने से कम। तो जो बाइनियल प्लांट या द्विवर्षीय पादप है, ये बाइनियल प्लांट द्विवर्षीय पादप, वो कह रहे हैं नेचुरली कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट परसीव करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको लिख के दिया है सुगर बीट, इसमें एग्जाम्पल आपको लिख के दिया है कैरेट, और इसमें एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको लिख के दिया है कैबेज, कैरेट एंड सुगर बीट। तो देखो इन प्लांट्स में क्या होता है, एक लाइन और एनसीईआरटी ने लिखी है, ये मोनोकार्पिक होते हैं, एक फलनी होते हैं, अर्थात जीवन में एक ही बार पुष्पन और फलन की प्रक्रिया ये करते हैं, एक बार फलनी, एक ही बार फल निर्माण की प्रक्रिया इसमें होगी, ऑब्वियस है एक बार फलनी है तो पुष्पन भी जो है वो एक ही बार इनमें संपन्न होगा। अब ये जो मोनोकार्पिक प्लांट है, सुगर बीट, कैरेट और कैबेज, ये बाइनियल या द्विवर्षीय हैं, अर्थात इनका जो जीवन काल है, इस जीवन काल में स्टूडेंट्स क्या होगा, एक पूरा फेज वेजिटेटिव फेज होगा और दूसरा पूरा फेज रिप्रोडक्टिव फेज होगा, ऑब्वियस है जैसा सारे प्लांट्स में होता है आप कहेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, इनिशियली पहले वेजिटेटिव फेज एक सीजन में ये कंप्लीट करता है, और जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इन प्लांट्स को मिलता है, आप देखिए सर्दी के दिनों में ये सामान्यतः ग्रो करते हैं, जैसे ही कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट इनको मिलता है तो अगले सीजन में आप ये कह सकते हैं ये क्या कर देते हैं, फ्लॉरिंग प्रोड्यूस करने से, पुष्पन की प्रक्रिया करने से ये स्टूडेंट्स फाइनली आपको प्रोडक्टिविटी दे देते हैं। तो ये जो है इसको आप कहेंगे मोनोकार्पिक कंडीशन के प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं, सुगर बीट, कैरेट और
कैब्रिज, ठीक है। इन प्लांट्स को भी नेचुरली कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्राप्त होता है, जिससे पहले फेज अपने वेजिटेटिव फेज से दूसरे सीजन में जाकर ये रिप्रोडक्टिव फेज अपना कंप्लीट करते हैं। एक सीजन में वेजिटेटिव फेज करते हैं, दूसरे सीजन में रिप्रोडक्टिव फेज करते हैं, इसलिए भी आप कह सकते हैं द्विवर्षीय पादपों की श्रेणी में रखे गए हैं। अब इसके अलावा, इसके साथ साथ आपको यहां सीड डॉर्मेंसी और दे रखी है। स्टूडेंट्स, सीड डॉर्मेंसी या बीज प्रसुप्तता क्या है, पूरी फिजियोलॉजी में कई जगह आपको डिस्कस किया गया होगा, बताया गया होगा, हॉर्मोन्स में मैंने भी आपसे बात की है। आप ये कहेंगे कि सामान्यता किसी पर्टिकुलर बीज में, सीड में, बर्ड या कलिका में अगर मेटाबॉलिक सस्पेंशन आ जाता है, उसका उपापचय जो है वो निलंबित हो जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसको आप विभिन्न ट्रीटमेंट्स या उपचारों द्वारा प्रेरित करके जर्मिनेट करवा सकते हैं, उसको अंकुरित करवा सकते हैं। ये केमिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, रासायनिक आप ये कह सकते हैं जो उपचार है वो हो सकते हैं। इसके अलावा ये फिजिकल हो सकते हैं, जैसे स्कैरिफिकेशन, खुरचना, आप बीज को स्कैरिफिकेशन में ले जाएं, खुरचनी वाली प्रोसेस में ले जाएं, तो इस तरीके से वो स्टिमुलेट हो सकता है। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस से उसको ट्रीट करें, आप उसको पानी में भिगोएं कुछ टाइम के लिए, वाटर के कॉन्टैक्ट में पड़ा रहने दें, तो इस तरीके से जो सीड कोट उसका हार्ड हो गया है, वो हार्ड सीड कोट जो है वो वाटर कंटेंट रिसीव कर सकता है और स्वेल अप होके आप कहेंगे फूल कर जर्मिनेशन की प्रोसेस में जा सकता है। तो सीड डॉर्मेंसी या जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तोड़ने के कुछ मेथड्स आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में सिंपल बातें लिख के दे रखी हैं। इससे पहले बीजांकुरण की प्रक्रिया मैं हॉर्मोन्स में भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जो एंडोस्पर्म और कोटाइलेडॉन है वो संग्रहित खाद्य की उपस्थिति रखते हैं, इनमें जो संग्रहित खाद्य पदार्थ हैं वो जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी के द्वारा जो परिवर्धित भ्रूण है, परिवर्धित भ्रूण का मतलब जो भ्रूण निर्मित हो चुका है अब वो बीज से पादप में परिवर्धित होगा, तो वहां जो भ्रूणीय अक्ष है उस भ्रूणीय अक्ष के इलोंगेशन या दीर्घीकरण के लिए सॉल्युबल फॉर्म में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी जो सीड जर्मिनेशन के लिए परफॉर्म करवाई जाती है, ये मैंने आपको पहले बताया है, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट आपने जैसे डिस्कस किया था जिब्रेलिक एसिड के साथ, तो ये देखिए आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन, जो ग्रोथ फिजियोलॉजी है, ये सारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको परफेक्टली ये पता लगा होगा। आप एनसीईआरटी को थोरोली इसमें रीड आउट करें, और स्टूडेंट्स हर बार इस चैप्टर से करीब करीब दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार के एग्जाम में भी इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे गए। एक आपसे पूछा गया था लॉग फेज वाला, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है, और दूसरा आपसे पूछा गया था जो जिब्रेलिक एसिड मैं अभी डिस्कस कर रहा था, उस जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे के द्वारा, उसके छिड़काव के द्वारा कैसे गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। आपको एनसीईआरटी ने लिख के दिया है प्रति एकड़ 20 टन तक गन्ने की उत्पादकता को जिब्रेलिक एसिड के अनुप्रयोग से बढ़ाया जा सकता है। तो हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का आप पढ़ें, उसको थोरोली रीड आउट करने के बाद में क्लियर करें। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आपको जो डाउट काउंटर ऑनलाइन दिया गया है उसका उपयोग करें। धन्यवाद। एंजॉय द फिजियोलॉजी।